अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ टी केक की बहुत ही आसान रेसिपी। आज के जो हम टी केक बनाएंगे वो हम बनाएंगे ग्लास में। केक की साइड सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी होती हैं। तो ग्लास में जब हम लोग केक बेक करेंगे तो उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि जब ग्लास में केक बेक होगा तो उसकी जो साइड्स होंगी वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी रेडी होंगी। और जैसे केक की साइड्स ग्लास में बेक होंगी क्रिस्पी और परफेक्ट, वैसे किसी और चीज़ में नहीं हो सकती। चलिए लेट्स जंप इनटू आवर रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 अदद अंडे, जिसको हम विस्क से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इतना फेंटेंगे कि अंडे जो हैं वो अपने साइज से डबल हो जाए। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि अंडे कंटिन्यू बीट करने से अंडों में झाग पैदा हो रही है और अंडे आहिस्ता आहिस्ता साइज में डबल होते जा रहे हैं। बस ये प्रोसीजर हम लोग जो है वो रिपीट करते रहेंगे जब तक कि अंडे हमारे डबल नहीं हो जाते। यही सेम प्रोसीजर आप लोग हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे अंडे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2/3 कप यानी 2/3 कप तेल का। अब हमने तेल को और अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 2-3 मिनट्स तक हम लोगों ने यही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिसी हुई चीनी 2/3 कप यानी कि 2/3 कप। जितना हम लोग इस केक में ऑयल ऐड करेंगे उतनी ही सेम क्वांटिटी की हम लोगों ने ऐड करनी है शुगर। अगर आप इस केक को हैंड विस्क के बजाय ब्लेंडर में बना रहे हैं तो आपको इसमें पिसी हुई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मली शुगर जो घर में अवेलेबल होती है आप वो ऐड कर सकते हैं, वो ब्लेंडर में ईजिली ब्लेंड हो जाएगी। कोको पाउडर 1 टेबल स्पून ये हम लोग ऐड कर देंगे। कोको पाउडर ऐड करने से पहले आप लोग इसको छान लीजिएगा। मैं इसको ऑलरेडी छान चुकी थी इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐड कर लिया है। अब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने ऐड कर लेना है मैदा 1 1/4 कप यानी 1 पूरा कप और 1/4 कप। ये मैं ऐड कर दूंगी मैदे का इस बाउल में। अब हम लोगों ने अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैदा डालने से पहले मैं मैदे को अच्छे तरीके से छान चुकी थी। मैंने इस रेसिपी में हैंड विस्क के साथ साथ हैंड बीटर भी यूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास हैंड बीटर अवेलेबल नहीं तो आप लोग सारा काम हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको हैंड विस्क में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और हैंड बीटर से आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इन लास्ट हम लोगों ने ऐड कर देना है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के और 1 चुटकी नमक की। अब हम लोगों ने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है और उसके बाद हैंड बीटर को बंद कर देना है। अब आप लोग ये देख लें केक की कंसिस्टेंसी कैसी रेडी हुई है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को चाहिए स्टील के ग्लासेस जिसमें हम लोगों ने केक को रेडी करना है। लोगों ने ग्लासेस को ग्रीस करना है ऑयल से। मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इन ग्लासेस में ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद ब्रश से इस ऑयल को पूरे ग्लास में फैला रही हूँ ताकि हमारे ग्लास अच्छे से ग्रीस हो जाए। ग्लास हमारे ग्रीस हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इस पे करनी है मैदे की डस्टिंग, क्योंकि मैं इसमें जो है वो बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही इसलिए मैं इसकी मैदे की डस्टिंग करूँगी। मैदा थोड़ा सा डाल के और उसके बाद मैं इसको पूरे ग्लास में फैला दूंगी। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा मैं उसको झाड़ दूंगी। इससे हमारी मैदे की कोटिंग जो है हमारे ग्लास पे हो जाएगी और हमें बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बग़ैर बटर पेपर के बहुत ही अच्छे से हमारे केक जो है वो रेडी होंगे और बहुत ही ईजीली ये डीमोल्ड हो जाएंगे। आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने ग्लास को इस तरीके से झाड़ लेना है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो ग्लास से बाहर आ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें अपना बैटर डालना है केक का। हम लोगों ने ग्लास को पूरा फिल नहीं करना है बैटर से, हाफ ग्लास को फिल करना है और हाफ जो है वो केक खुद ही राइस हो जाएगा बेक होने के बाद। मैं इन ग्लासेस को थोड़ा सा डैम्प कर लूँगी ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो रिलीज हो जाएँ। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम और इसके बाद केक हमारा बेक करने के लिए रेडी है। केक हम लोग पतीले में रेडी करेंगे इसलिए मैंने बड़ा सा पतीला जो है वो प्री हीट कर लिया था 10-15 मिनट पहले।
मैंने पतीले के बीच में एक बर्तन रख दिया है ताकि डायरेक्ट जो है हमारी केक पे डायरेक्ट हीट ना लगे। आप लोग के पास अगर स्टैंड हो तो आप लोग स्टैंड भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने केक को इस बर्तन के ऊपर रख देना है। पतीला हमारा ऑलरेडी प्री हीट था, इसलिए अब हम लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर या ज़्यादा कम आंच पर इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। इसको बिल्कुल ढक कर और इसको 30 मिनट के लिए हम लोगों ने छोड़ देना है। 30 मिनट्स के बाद भी हम लोग इसको चेक करेंगे कि केक हमारा बेक हुआ है या नहीं। 30 मिनट में हमारा केक बहुत अच्छे से राइस हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी। केक हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। केक को हम लोगों ने ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के से हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी एजेस पर नाइफ लगा देनी है। और हल्की सी नाइफ लगाने पर केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से डीमोल्ड हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखाती हूँ कि कितने ही आराम से हमारा केक इस ग्लास से बाहर आ जाएगा। यह आप लोग चेक कर लें कि हल्की सी नाइफ लगाने पर आराम से हमारा केक बगैर टूटे आराम से बाहर आ चुका है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट ये केक हमारा रेडी होता है। आप लोग ये चेक कर सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस इस क्लिप से कि कितना ही सॉफ्ट केक हमारा रेडी हुआ है। अब आप लोग इसको अपनी चाय के साथ एंजॉय करें। इस केक की एजेस भी बहुत ही परफेक्ट रेडी होती हैं, क्रिस्पी सी, और बीच से ये केक बहुत ही सॉफ्ट रेडी होता है। आप लोग इसको अपनी चाय के साथ ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। बहुत ही पसंद आएगा आपको ये केक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।